मामला ये है कि 2017 27 अगस्त के आसपास FIR हुई थी शिशामऊ थाने में, जहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं की गई। हम लोग IG साहब के पास गए, हमारी यहाँ शिशामऊ थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर हम IG साहब के पास गए, वहाँ से जो है FIR लिखी गई। शिशामऊ थाने से कुछ भी नहीं हुआ, कोई न्याय नहीं मिला। फिर हम लोग IG साहब के पास फिर से गए, तब उन्होंने दिया महिला थाने SO। तो वो जो है महिला थाने की जो SO थी अर्चना गौतम, वो जो है विरोधी पार्टी के साथ घूम रही थी उनकी गाड़ी में। हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींची, सब कुछ किया, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। वहाँ से फिर केस गया CO सदर रवि कुमार सिंह जी के पास, CO के पास। वो विवेचना कर रहे हैं। अब वो हम लोग कल गए उनके पास, तो उन्होंने वो बोल रहे हैं कि अब जो मेन धारा है 376 377 वो हम हटा देंगे। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम कल या परसों में चार्जशीट लगाएंगे, तो उसमें 376 और 377 धारा हटा देंगे। ऊपर से पुलिस कुछ कर नहीं रही है, कोई न्याय नहीं मिला हमें। 2 साल हो गए, पूरे 2 साल हो गए, कहीं कुछ न्याय नहीं मिला। कहीं से एकदम CO साहब के वहाँ से मतलब काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर इनको हमने काफ़ी समझाया, रात भर समझाया, एकदम परेशान थे। सुबह अचानक से उठी, पता नहीं रोने लगी, एकदम दिमाग चक्कर वक्कर आया, उठी। ये छोटी सिस्टर है, पूजा कर रही थी, तो तुरंत दुपट्टा जो है पंखे में डाला और लटक गई। सुसाइड करने की कोशिश की, सिस्टर ने देखा तो चाकू लेके आई, तुरंत दुपट्टा काटा, तब इनको हमने यहाँ एडमिट कराया। ये महिला आई थी और इनका 1 साल पुरानी ये विवेचना थी। मैंने जो तथ्य पाए उनके आधार पर DP एक्ट में चार्जशीट लगाई है, अपने पति और दोस्तों को उन्होंने आरोप लगाया था। जो विवेचना में सही पाया गया उनके 164 और 161 के बयानों के आधार पर वही मेरे द्वारा कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा था कि मतलब आप गिरफ्तार करिए, लेकिन विवेचना के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आए, इसलिए मेरे द्वारा दहेज एक्ट में चार्जशीट लगाई। आज सुबह उन्होंने फ़ोन किया था, तो मैंने तत्काल मौके पे अपने इंस्पेक्टर को भेजा था और उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। वो फिलहाल सुरक्षित है। अप्राकृतिक यौन संसर्ग के आरोप लगाए थे उन्होंने बेसिकली, तो इस लेकिन विवेचना में जो उचित पाया गया वो मेरे द्वारा जो भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य साबित मिले उसी के आधार पर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई।